वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहे भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये कांग्रेस है, यदि कानून का डर निकल जाएगा तो हर आदमी आदमखोर हो जाएगा। इसलिए कानून संविधान का डर हर आदमी को होना चाहिए, उसमें मैं भी हूँ और सारे लोग हैं, इवन आप भी हैं। क्या ब्लैक ब्लैक बाबा बाबा ब्लैक क्या कोई है ना बाबा बाबा ब्लैक बोल यस सर थ्री बैग फुल वन फॉर माय मास्टर वन फॉर माय डैम वन फॉर द लिटिल गर्ल टू लिफ्ट आउट हिज लाइन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव, मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। और कल से रांची के विधानसभा में मॉनसून विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर आज देखा गया कि कांग्रेस में एक विधायक दल की बैठक रखी गई थी, जिसमें कई सारे राजनीतिक मुद्दों पर बात हुई। और खासकर अभी अभी जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, इसमें क्रॉस वोटिंग 9 से ज़्यादा कांग्रेस के विधायकों ने किया था, जिसमें अब यहाँ के अध्यक्ष और खासकर अविनाश पांडे आए हैं और वो 1-to-1 कर सभी विधायकों से पूछ रहे हैं कि आखिर क्रॉस वोटिंग किसने की और क्या वजह रही कि क्रॉस वोटिंग करनी पड़ी। ऐसे में हमने यहां पर मौजूद तमाम विधायक आला अधिकारियों और मंत्रियों से बात किया, जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। किसी ने कहा कि ये संवैधानिक रूप से उनका अधिकार है क्रॉस वोटिंग करना, तो किसी का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि आखिर क्रॉस वोटिंग क्यों की गई है। और बताया गया कि आज किन किन मुद्दों पर बात हुई इस विशेष बैठक में, तो देखिए यहाँ पर बाकी मंत्रियों और आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। देखिए, गुप्त मतदान है, कौन वोट दिया नहीं दिया कोई नहीं जानता है, ना कोई नहीं जानता कि कौन दिया नहीं दिया। गिनती हुई, जो आंकड़े आए अपनी जगह पर हैं। लेकिन और दूसरा चीज़ पूछिए तो गुप्त मतदान के बारे में क्या पूछिएगा। इस पर प्रभारी से चर्चा हुई, एक एक करके विधायकों को प्रभारी ने बुलाया? नहीं, प्रभारी हमसे जो चर्चा हुई है वह कि पार्टी को और मजबूत कैसे करें, बेहतर प्रदर्शन 2024 में कैसे करें, इस पर ज़्यादा चर्चा की। तो मैंने बताया कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें, संगठन को मजबूत करेंगे, साथ साथ लोगों के बीच में भी जाएं, हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। देखिए, 1-to-1 में यही बात हो रही है, पूछा जा रहा है आपको, एक ये नॉर्मल डायलॉग है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आपको डायलॉग स्टार्ट किया जा रहा है ये पूछ बोलते हुए कि आप कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, क्या पार्टी का सिचुएशन है स्टेट में, किस तरह से हम लोग पार्टी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अगर कुछ आपको निराशा है तो उस किस बात से आपको निराशा है, अगर कुछ पार्टी के स्ट्रेंथ्स है तो वो क्या है, उसमें कैसे और ज़्यादा काम कर सकते हैं, ये सब अभी स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में भी ज़रूरत है, यही सब चीज़ों का डिस्कशन लेकर क्या पूछ रहे हैं प्रभारी। क्रॉस वोटिंग हुई है, ये ट्रांसपेरेंट है, सभी को मालूम है, जानने की कोशिश की जा रही है कि क्यों हुआ है क्रॉस वोटिंग और किन्हों ने किया है। आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा क्रॉस वोटिंग? ऑनेस्टली मैंने तो पार्टी के अनुसार वोटिंग किया है, किसने किया है मुझे इसका भी मालूम नहीं है अभी तक, शायद ये 1-on-1 होने के बाद शायद एक ग्रुप मीटिंग होगा, उसमें बताया जाएगा कि किन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है और क्यों किया है। इन पार्टी कमजोर हो रही है इस नाते जो क्रॉस वोटिंग। पॉलिटिक्स में कुछ तो कभी भी हो सकता है, उस पर टिप्पणी क्या करूँ मैं, मगर जहाँ तक पार्टी को वीक होने की बात है, अगर आज पार्टी वीक हो रही थी तो इस क्रॉस वोटिंग को तुरंत मद्देनज़र रखते हुए प्रभारी जी यहाँ पे आए हैं और इसको टॉप लेवल में इनको सॉल्व करने का कोशिश करें, तो मुझे लगता है ये वीकनेस नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सारे मुद्दे हैं, अभी भी हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है झारखंड स्टेट में, अगर आप देखिए तो लोगों को यहाँ पे जो जॉब्स को परमानेंट करने का एक तरीके से आंदोलन चला हुआ है वो सारे हैं, डॉक्टर्स का है, वेटनरी का है, बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे को कोलेट करके हमने क्वेश्चन तैयार किया है, सबमिट भी किया है, सेशन के दौरान आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुझे एक मेडन स्पीच भी करने का मौका दे, तो देखते हैं कल तक शायद कुछ मालूम पड़े इस बारे में। आपके बाबा यहां क्या तैयारी है? बिल्कुल, मैंने जिस तरह से कहा झारखंड को बने हुए कम से कम आपका 20 साल हो रहा है, फिर भी अभी भी बहुत सारी मुश्किलें हैं जिससे हम जूझ रहे हैं अभी तक, और ये सारी क्वेश्चंस हमारे पास भी रखे हैं, लोगों ने हमारे सामने रखा है ये सभी क्वेश्चंस को, सारे को कोलेट करके मैंने विधानसभा में दिया है और जैसे जैसे ये क्वेश्चंस आएंगे आपको भी मालूम पड़ेगा। देखिए, पार्टी का तो ना मैं अधिकृत अध्यक्ष हूँ, ना मैं CLP लीडर हूँ, ना पार्टी का प्रभारी हूँ, प्रभारी जी आए हुए हैं, अध्यक्ष जी मौजूद हैं, CLP साहब मौजूद हैं,
यू आस्क दैट क्वेश्चन ओनली दोज पर्सन हु आर द अधिकृत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अधिकृत, ऑथराइज पर्सन, ना एलिजिबल ना ऑथराइज। अच्छा एक चीज बताइए ना, आप क्रॉस वोट किए थे कि नहीं, पहला सवाल। और दूसरा कि अगर आपको कहा जाए कि आइडेंटिफाई दोज 9 पर्सन, तो कैसे आप उनको निकालिएगा? व्हाई आई आइडेंटिफाई, आई एम नॉट एनी एजेंसी। हम क्यों, हम अधिकृत हैं क्या कि कोई हम दरोगा है, इंस्पेक्टर हैं कि हम क्या हैं जो हम तो ये करेंगे? बन्ना रही। में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको लग रहा है? हाँ, विविधता में एकता है। विपक्ष की तैयार, विपक्ष का कैसे जवाब देंगे आप लोग सदन में इस बार, क्योंकि विपक्ष कैसे जवाब पूछेगा, वो उन लोग से पूछिए कि वो लोग अपना जो कीमती समय है, जनता ने उनको चुनाव में जिताया है, तो जनता के मुख्य मुद्दों से विपक्ष किस तरीके से सरकार को घेरेगी, क्या उनके पास कोई रणनीति है, क्या आइडिया है? वो सिर्फ हंगामा करेंगे। वो बोल रहे गौ तस्कर का संरक्षक दे रहे बन्ना जी, उसके बाद। अरे भैया, हम तो गौ पालक है, आप जाइए ना मेरे घर में, देखिए दो दो गैया रखे हैं। 18 करोड़ कहीं 20 करोड़, ये सब भी सवाल उठेंगे। क्या चीज के लिए पकड़ा है ईडी ने, जो पकड़ी है? अरे पकड़ी है तो ईडी ने पकड़ी है, तो जो पकड़ के जो कार्रवाई करना है होगा, उसमें ये बट क्या है? देखिए देश कैसे चलता है, देश चलता है लोकतंत्र से, देश चलता है संविधान से। संविधान में ईडी भी है, सीबीआई भी है, चुनाव आयोग भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है। जब सरकार यदि जनता के सवालों से विमुख हो जाती है तो लोग जो है न्यायालय में चले जाते हैं। जब कहीं कोई मैटर ऐसा आ जाता है जिस मैटर में कानून की भाषा और मर्यादा टूटने लगती है और तोड़ने वाले लोग को जेल भेजा जाता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं जज थोड़ी हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि सही है कि गलत है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कोई काम बायस्ड होकर नहीं होना चाहिए, कोई काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए जो काम को आप जो है ये समझ में आए कि नहीं साहब ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है, ये समझिए बात।